हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रसोई नामा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बारिश के मौसम में खाने में एकदम मज़ा ही आ जाए ऐसे आलू के पकौड़ों की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए झटपट से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आलू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उसका बैटर। उसके लिए हम एक कप बेसन ले लेंगे एक बाउल में। उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, जिसे हम हाथों से ऐसे मसल के डालेंगे ताकि अजवाइन का फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा और फ्रूट सॉल्ट, थोड़ा सा फ्रेश धनिया और आधी चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर। और फिर हम इसे अच्छे से एक बार कर लेंगे मिक्स। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें सेमी थिक रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है कि हम आलू की चिप्स को इसमें ईजिली कोट कर पाए। तो लीजिए, हमारा बैटर बनके तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इतनी रखनी है हमें। अब यहाँ पर मैंने आलू को ऐसे राउंड स्लाइसेस में कट कर लिया है। स्लाइसेस मैंने मीडियम रखी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। ऐसे ही हमें स्लाइस करना है ताकि हम इसे फ्राई करें तो आलू भी अच्छे से अंदर फ्राई हो जाए। यह तेल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। बैटर को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी आलू की स्लाइसेस और आलू की स्लाइस को हम अच्छे से बैटर में दोनों साइड से कोट कर लेंगे एकदम प्रॉपरली और इसे हम गरम तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। सेम वे में हम सारी स्लाइसेस को ऐसे अच्छे से बैटर में कोट कर लेंगे और फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल देंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और अच्छे से पलटाते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो लीजिए, हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सिमिलरली हम दूसरा बैच भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। इसे आप और भी क्रिस्पी बनाने के लिए बैटर में आप चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। मेरे घर में ये सिंपल वे में ऐसे ही बनता है, इसके लिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, बट आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो लीजिए, हमारा सेकेंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए इसे करते हैं सर्व। तो आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स कि हमारे आलू के पकौड़े कितने अच्छे से फूले फूले बने हैं, है ना। और ये टेस्ट में भी बहुत ही टेस्टी है। आई नो कि सबके घर पे आलू के पकौड़े बनते ही है, बट ये मैंने मेरा तरीका बताया कि मेरे घर पे ये कैसे बनता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार एकदम गर्मा गर्म और टेस्टी आलू के पकौड़े, बारिश के सीज़न में खाने में एकदम मज़ा ही आ जाए, है ना। और इसके साथ मैंने सर्व किया तली हुई मिर्च। मुझे तो ये स्पेशली चाय के साथ भी पसंद है और केचप के साथ भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको किसके साथ पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।